इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और यह फर्जी वीडियो एक किराए के मकान में शूट किया। रिट एफआईआर राय जो मनीष कश्यप, उसके दो साथी तमिलनाडु राज्य में जो कतिपय सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो प्रकरण से संबंधित सभी जानकारी अद्यतन आपको देना चाहूंगा। आर्थिक अपराध बिहार पटना के द्वारा विभिन्न वीडियो और जो सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे थे, जो असत्य भ्रामक और उन्माद फैलाने वाले थे और जो कतिपय हिंसात्मक घटनाओं को गलत तरीके से पेश कर रहे थे, उसमें ऑलरेडी ये कांड संख्या 3/23 विभिन्न धाराओं में दर्ज कर दिया गया है। 10 सदस्यीय जांच दल इसकी जांच कर रहा है। कुल अभी तक 30 वीडियो एवं पोस्ट चिन्हित किए गए। इस कांड में सत्यापन के क्रम में 26 अन्य ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब अकाउंट्स को भी चिन्हित किया गया है, जिसके बारे में अनुसंधान किया जा रहा है। 42 सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए नियमों के अनुसार प्रिजर्वेशन नोटिस जारी कर दिया गया है, ताकि उनका साक्ष्य अनुसंधान के क्रम में उपलब्ध रहे। इस कांड में 4 व्यक्तियों को नामजद किया गया था, जिसमें अमन कुमार नाम के व्यक्ति की गिरफ्तारी हो चुकी है। अधिकतम जानकारी यह है कि एक और वीडियो है जो गलत पाया गया है। 8 मार्च को इस कांड के अभियुक्त मनीष कश्यप, जो BNR न्यूज हनी नामक यूट्यूब चैनल का एक वीडियो ट्वीट किया गया, जिसमें पट्टी बांधे दो लोगों को दिखाया जा रहा है, उसकी जांच की गई। वीडियो अपलोड करने वाले व्यक्ति राकेश रंजन कुमार को गोपालगंज से पूछताछ हेतु पुलिस के द्वारा लाया गया। उसने अपने पूछताछ में सारी बात स्वीकार कर ली और उसने ये बताया कि 6 मार्च को उसने यह फर्जी वीडियो 2 अन्य लोगों के सहयोग से बनाया था और ये भी बताया कि इस वीडियो को जक्कनपुर के एक बंगाली कॉलोनी स्थित एक किराए के मकान में शूट किया और उसके बाद इसको अपलोड किया है, ताकि पुलिस के अनुसंधान को गलत दिशा दी जा सके। राकेश रंजन के मकान मालिक के द्वारा भी इस संबंध में पुष्टि कर दी गई है, अतः ये बहुत गंभीर अपराध है। इस संबंध में एक सेपरेट FIR हम लोग दर्ज कर रहे हैं, मतलब EOU दर्ज कर रहा है, जो मनीष कश्यप, उसके दो साथी और राकेश रंजन के विरुद्ध होगा।